नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराट और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको प्रूफ बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं जो प्रूफ नहीं बताते हैं, सिर्फ आपको बताते हैं किस प्रकार आप लोन लोगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रूफ बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर 1000 रुपये का लोन लिया है, 3 महीने बाद मुझे वापस रीपे करना है, तो मुझे 290 उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। महीने का लगभग 100 रुपये का बनता है, तो 100 रुपये वापस उनको महीने के हिसाब से देने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 28 जनवरी को मैंने लिया था और मुझे वापस जो है करना पड़ेगा 27 अप्रैल 2021 को, लगभग पूरे 3 महीने के बाद मुझे वापस रीपे करने हैं। तो ये मैंने आपको इस एप्लीकेशन के अंदर प्रूफ बताया, लेकिन मैं आपको बैंक अकाउंट का भी प्रूफ बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने 1000 रुपये का लोन क्यों लिया, ज़्यादा का लोन क्यों नहीं लिया, तो उसका भी मैं कारण बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने और कौन कौन से लोन लिए हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर 1000 रुपये का मैंने एक और लोन लिया था, वो 1 महीने के लिए था। शुरुआत में आपको 1 महीने के लिए लोन दिया जाता है, उसके बाद आपकी जो है ये टाइमिंग को बढ़ा दिया जाता है, 3 महीने के लिए कर दिया जाता है। तो वो भी मैंने लिया था, 6 नवंबर को लिया था और 4 दिसंबर को मैंने टाइम से पहले यहाँ पर रीपे कर दिया था। अगर आप टाइम से पहले नहीं करते तो फिर पेनल्टी लगेगी। और फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि आपके अकाउंट से अपने आप नहीं डिडक्ट होते हैं पैसे, आपको खुद पे करने पड़ते हैं एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद। बाकी वाले जो लोन देते हैं वो अपने आप अपनी किस्त काट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको खुद को यानी कि वापस उनको पे करना पड़ेगा मैनुअल में जाकर। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जो हायर जो लोन होता है 25,000 का, 60,000 का लोन, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लगा के रखी है एक प्रोफाइल, पूरा बना के मैंने सेट किया और पेंडिंग है, वो कुछ टाइम बाद वो अप्रूव हो जाएगी तो मैं आसानी से लोन ले पाऊँगा ज़्यादा अमाउंट का। अब मैं आपको सबसे पहले जो अपना इसका बैंक अकाउंट का प्रूफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने स्क्रीन पर और योनो SBI का मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो उसका लोन वाला जो मिला था मुझे, मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए। आप वीडियो के अंदर पूरा बने रहना और कोई भी स्टेप मिस मत करना, ताकि आपको जो लोन लेने में प्रॉब्लम हो। इसका थोड़ा जो प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा हैवी है, क्योंकि ये पैसे देती है एप्लीकेशन इस कारण, लेकिन आपको मैं पूरा आसानी से समझाऊंगा किस प्रकार आपको लोन लेना है। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सबसे पहले आपको मुझे जो लोन मिला था उसका प्रूफ बता देता हूँ, बैंक अकाउंट का प्रूफ। तो मुझे लोन कब मिला था ये मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पर वापस मैं उस एप्लीकेशन में चलता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो लोन का, लेकिन उस एप्लीकेशन में मुझे जाना पड़ेगा कौन से तारीख को मैंने लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो 28 तारीख को मैंने लिया था और यहाँ पर लोन लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 28 तारीख को एक्टिविटी में जाकर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने जो लोन लिया था उसका मैंने आपको प्रूफ बता दिया। सॉरी, यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा आगे आ गया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड होना ज़रूरी है, आधार कार्ड के बिना आप नहीं कर सकते। प्रोफाइल में जाकर आपको प्रोफाइल पूरी सेट करनी पड़ेगी, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड भी आप यहाँ पर डालने पड़ेंगे। उसके बाद जो इसका मेन प्रोसेस है वो प्रोफाइल को कम्प्लीट करना, उसमें लगभग आपको 10 से 15 मिनट का पूरा समय लगेगा। उससे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यानी कि अप्रूवल लेने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपकी जो है KYC इन्फॉर्मेशन, ये आपको डालनी पड़ेगी। KYC वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपको सिर्फ आधार कार्ड ही डालना है, ठीक है। आधार कार्ड आपका सही होना चाहिए, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, अपना नाम पूरा होना चाहिए। उसके बाद आपको पैन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, पैन कार्ड आपको डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। ये 18 साल से ऊपर वालों को ही लोन देती है। उसके बाद आपको एक सेल्फी इनकी जो है वो आपके प्रोफाइल में मिल जाएगी, सेल्फी खींच कर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में लाइक आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। उसके बाद आपको एक वीडियो भी 5 से 10 सेकंड का डालना पड़ेगा खुद का, छत पर जाकर आप वीडियो को शूट कर सकते हैं या अपने अच्छे से जहाँ पर अच्छा शूट हो वहाँ पर ये कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस और करके कर सकते हैं। उसके बाद इस पेमेंट को आप पेटीएम में ले सकते हो, बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो। उसके बाद और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इस भाई ने जो पेमेंट लिया है बहुत सारा 500 का इसने 4-5 को लिया है, तो इसके लगभग 2500 रुपये का पेमेंट इनकी एक साथ इसने, और यहाँ पर आप 20,000 तक लोन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप 20,000 से ज़्यादा लोन नहीं ले सकते फ्रेंड्स। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा बता दिया, अब मैं आपको एप्लीकेशन में जाकर पूरा समझाऊंगा, क्योंकि मैंने तो अकाउंट बनाया हुआ, तो मैंने दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वापस से आपको मैंने समझाया। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मोबाइल नंबर डालने के बाद, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अटैच होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको OTP आ जाएगा उस मोबाइल नंबर पर। OTP आने के बाद यहाँ पर आपको
जो है साइनअप करना पड़ेगा, या तो आप गूगल से करो या फेसबुक से करो। मैं कहता हूँ आप गूगल से करो, क्योंकि फेसबुक आईडी अलग अलग फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो है इस गूगल की सहायता से कर सकते हो, गूगल मेल की सहायता से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दूसरे अकाउंट से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उस अकाउंट से मेरे बना हुआ पहले से, तो मैंने यहाँ पर दूसरे अकाउंट से जो है लॉगिन कर लिया है, इनकी साइनअप कर लिया है। साइनअप करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में आपका अपना नाम नहीं होना चाहिए और आपका अपना मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप पासवर्ड लगा सकते हो, लाइक अपना IFSC कोड लगा सकते हो, बैंक अकाउंट नंबर लगा सकते हो। पासवर्ड में होना क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। 8 करेक्टर होने चाहिए, एक लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना जरूरी है। उसके बाद आपको रेफरल कोड डालने हैं। ये रेफरल कोड डालना जरूरी है, क्योंकि आपको इससे 25 रुपये मिलेगा और मुझे भी 25 रुपया मिलेगा। रेफरल कोड आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, REF 4117917। उसके बाद यहाँ पर आपको सही तरह से सेलेक्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को सेलेक्ट करें। स्टूडेंट की प्रोफाइल मैं बनाना इस वीडियो में सिखाऊंगा। और जो एम्प्लॉयड फुल टाइम और सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसकी अगर आप हो तो कमेंट करके बता देना, मैं इसका वीडियो और डाल दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है वो किस प्रकार आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट ही सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट है तो। और अगर आप जो एम्प्लॉयड है फुल टाइम है तो उसका अलग से प्रोफाइल बनेगी। अगर आप नहीं बनती है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट वाली सेलेक्ट कर दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 500 से आप 10,000 का जो है यहाँ पर लोन ले सकते हो, यहाँ पर मुझे इस नंबर पर मिलेगा। लेकिन मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास जो अकाउंट है वो मेरी जो डिटेल है वो सारी उनके पास है, क्योंकि मैंने पहले से अकाउंट बना रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब ये आई वांट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप 2000 सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट करने के बाद आपको रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको 30 दिनों के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो पे करना है वापस 2000 का 2120 रुपया पे करना है। यहाँ पर 20 रुपये ओनली फॉर बडे हैं। मुझे जो मिला था वो 1000 पर 1100 था, ओनली फॉर 20 रुपये आपके बडे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्रिएट प्रोफाइल में गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब जो प्रोसेस है उसको ध्यान से सुनना फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। 15 से 20 मिनट में आपकी जो प्रोफाइल वो क्रिएट हो जाएगी। आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ। मेरा हालांकि बना हुआ है, एक प्रोफाइल बनी हुई है तो दूसरी प्रोफाइल ये नहीं बनेगी। ये पूरा ट्रांसपेरेंट काम होता है इसमें फ्रेंड्स। आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल अपने नाम की नहीं बना सकते। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड होना जरूरी है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आधार कार्ड मैंडेटरी है, तो आप आधार कार्ड से ही ये जो वेरिफिकेशन करें। आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है और आधार कार्ड के नंबर आपको इसमें अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करने के बाद मैं आप बता देता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वोटर आईडी कार्ड का मैंने अभी सेलेक्ट किया, तो वोटर आईडी कार्ड की फोटो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको पैन वेरिफिकेशन को डालना है। पैन वेरिफिकेशन में आपका जो फोटो है उसकी डालनी है। उसके बाद टैग के सेल्फी पर क्लिक करना है। एक सेल्फी आपको अपनी लेकर उसमें अपलोड करनी है। प्रोफाइल में अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, लाइक आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपका जेंडर क्या है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, माता जी का नाम क्या है। ये सारी आपकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएगी। तो मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं और बताऊंगा। और आपको इसमें 4-5 स्टेप करने हैं, वो आप अपने आप कर लेना। उसके बाद मैं अभी बैग लेकर चलता हूँ और आगे का प्रोसेस बताने के लिए। तो ये सारी आप सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ सकते हो आप। प्रोफाइल में सेल्फी वीडियो आपको लेना पड़ेगा, 5 से 10 सेकंड का आप जो है सेल्फी वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फी वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करिए और सेल्फी वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट प्रो इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने जिले का जो कोड है वो डालना है, वहाँ से आपको अपना कॉलेज का नाम आ जाएगा। उसमें कितने स्टूडेंट हैं वो आपको डालने हैं। आपने कब से कॉलेज ज्वाइन किया है वो आपको लगभग वाली टाइम डेट डालनी है। कौन से साल से आपने ज्वाइनिंग किया है वो आपको डालनी है। और यहाँ पर आप कब जो कॉलेज समाप्त करोगे, कितने साल की है डिग्री, वो आपको डालनी है। तो मैंने अभी आपको ये बता रहा हूँ सिर्फ। और आपकी कौन सी डिग्री कर रहे हो, बैचलर कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो, वो आपको बताना है। और यहाँ पर आप किस में कर रहे हो, डिग्री कौन सी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मैं BSc लिख देता हूँ। तो BSc लिखोगे तो BSc का आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको BSc सेलेक्ट करने के बाद आप किस में, मतलब स्पेशल आप क्या है, फुल टाइम करते हो या पार्ट टाइम करते हो। यहाँ पर आपकी मजबूत पकड़ किस पर है, मैथ पर मैं लिख देता हूँ। आप भी कुछ भी विषय लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं मैथ लिख देता हूँ। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस आपको करना है, लाइक मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखने हैं कि पिछले साल एग्ज़ाम दिया था उसमें आपके परसेंटेज कितने हैं, वो परसेंटेज आपको बताने हैं। तो आप लगा देना जितने भी, यहाँ पर मार्कशीट नहीं मांगेगा, आप अपने हिसाब से परसेंटेज लगा सकते हैं। 70% मैं अभी आपको लगा के बता देता हूँ।
नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो आईडी कार्ड है उसकी फोटो आपको दोनों साइड की अपलोड करनी पड़ेगी, बैक वाली भी और फ्रंट वाली भी। जो आईडी कार्ड जो एंटर करने के लिए कॉलेज में जो आईडी कार्ड लगता है वो आईडी कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा, वही आपकी मेन जो है यहाँ पर बनने वाली है प्रूफ। तो आईडी कार्ड को अपलोड करने के बाद आपका जो ये काम हो जाएगा स्टूडेंट वाला, उसके बाद बिट्स एंड पीसेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, आपके पास एक मेल आ जाएगा, उस मेल को ओपन करना है, उस पर आपको वेरीफाई लिखा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड अपना बैंक अकाउंट जो होगा आपके डायरी के अंदर लिखा होगा वो आपको डालना है। डालने के बाद आपका जो है बैंक सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नाम डालना है, अकाउंट का नंबर डालना है, वापस आपको जो है कन्फर्म अकाउंट नंबर वापस से डालना है, फिर आपको सबमिट करना है। आपकी जो है प्रोफाइल वो 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक कॉल आएगा, वो कॉल वेरिफिकेशन के लिए होगा, उसमें आपको सही से पूरी वापस डिटेल बतानी है, फिर आपका जो है प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद वापस से जाकर इस प्रकार से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के 15 से 20 मिनट बाद आपके जो बैंक में अकाउंट में अपने आप पैसे आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस से मैंने जो है अपना दो बार लोन ले चुका हूँ, और भी आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा लोन मुझे मिल जाए। मैंने जो प्रोफाइल है वो डाल दी है, अभी पेंडिंग में है, थोड़ी देर बाद वो जो अप्रूव हो जाएगी तो मैं उसका भी वीडियो आपके सामने बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।